यस सर, जी जी जी, हो जाएगा सर, इंशाल्लाह जी हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। होम सेक्रेटरी का फोन था सर जी। ये सियासी कैदी भी बड़ा ही परेशान करते हैं। और ये नया कैदी नजरा, ये कहां से बदली होकर आया साहब जी? ये मछ जेल से बदल के आया जी, बड़ा ही खतरनाक कैदी है जी। 3 कत्ल कर चुका है और 2 मरतबा जेल तोड़ने की कोशिश की। पर आप सर फिक्र ना करें, मैंने बड़े बड़े डेमरियों को सीधा कर दिया है। ये तो चीज ही कोई नहीं थी। मैं अंदर आता हूं। मिस्टर इफ्तखार, वेलकम वेलकम भाई, बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहां देखकर। थैंक यू वेरी मच। और नाजर अली? यस सर। ये बरखुरदार नए डिप्टी हैं यहां हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं जी, बल्कि बहुत ही अच्छे हैं जी। सर मेरा नाम नाजर अली बुखारी है जी, मैं यहाँ का चीफ वार्डन हूँ जी। अच्छा सर, ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। और नाजर अली, बरखुरदार को कोई ठंडा गरम पूछो। सर मैं अभी जग भर कर लाता हूँ जी, रोका आज ही साहिवाल से एक मुलाकात आई है जी। ओ बैठो ना बरखुरदार, बैठो बैठो, राव लाओ जल्दी से बरखुरदार के लिए। ओके सर, अभी लाया। हाँ तो बरखुरदार, तुम बहुत बड़े खानदान के चश्मो चिराग हो, जमीने हैं, वसी कारोबार है, मगर ये महकमा जेल की मामूली सी जॉब मेरी समझ में नहीं आई। सर कॉलेज के जमाने से ही ये मेरा पसंदीदा मजमून रहा है, जराइम और उसके मुहरिकात। वो लम्हा जब एक इंसान जुर्म के दलदल में धंसता चला जाता है, मेरा ख्याल है कि अगर हम उनके साथ मुनासिब रवैया अख्तियार करें तो ये अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसके लिए मेरे जहन में कुछ प्लान्स हैं सर। नहीं नहीं, प्लान नहीं, तजुर्बा, बरखुरदार तजुर्बा। मैंने ये बाल धूप में नहीं, इन्हीं जेलों में सफेद किए हैं। पूरे मुल्क की जेलों के मुजरिम मेरा नाम सुनकर थर थर कांपते हैं, इसी आयरन हैंड की वजह से। मेरा एक उसूल है कि बुराई को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दो। हाँ, मैं तो आदमी की शक्ल देखकर उसकी 7 पुश्तों का हाल बता सकता हूं। तुम अभी नौजवान हो बरखुरदार, और ये जो महकमे ने तुम्हें ट्रेन के लिए इंग्लिस्तान भेजा है, फजूल पैसे खर्च किए हैं। इन नौजवानों को तरबियत के लिए मेरे पास भेजना चाहिए। लेकिन सर इंसानी नफ्सियात को भी, और ये इंसान हो तो इनकी कोई नफ्सियात हो, ये सिर्फ एक जुबान समझते हैं बरखुरदार, ठंडे की जुबान, समझे? उठ के खड़े हो जाए, ड्राइंग रूम में बैठे हो। सर ये शेर अली है जी, इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी। तो तुम्हारा नाम शेर अली है। ये कैदे तन्हाई
और ये पांव में बेड़ियां। शेर अली, तुम्हें कभी ख्याल नहीं आता कि तुम कम से कम इस जेल के फिजा में ही आजादी का सांस ले सको। मैं इस जेल का नया अफसर, मैंने तुम्हारी फाइल का मुताला किया। अपने सख्त रवैये की वजह से तुम्हें खतरनाक मुजरिम करार दिया गया है। तुम्हारी फाइल में यह भी लिखा है कि तुम किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। जब कभी भी तुम्हें इस कालकोठरी से निकालकर जेल के सहन में लाया जाता है तो तुम दूसरे कैदियों और अमले के लोगों को परेशान करते हो, जेल तोड़ने की कोशिश करते हो और इस तरह से तुम्हारी सजा में इजाफा होता चला जाता है। ऐसा क्यों करते हो? क्यों? मैंने तेरी उम्र से ज्यादा हिस्सा जेल में गुजारा है, जा, जा तू भी अपने कलम की स्याही से मेरा मुकद्दर और काला कर दे, जा, चला जा। लेकिन मेरी राय से मुख्तलिफ, अगर मैं तुम्हें इस काल कोठरी से निजात दिला दूं और तुम्हारी पांव की बेड़ियां खोल दूं तो मैं भाग जाऊंगा। खोल दो इसे। और नजरें, खोल दे इसको। मैं तुम्हें यह मकान तजर्बे करने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। मैं यहां का इंचार्ज हूं, यहां जो कुछ गड़बड़ होती है उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। महकमा मेरी गर्दन पकड़ेगा, तुम्हारी नहीं। सर, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो जेल के कानून के खिलाफ हो। हमारे कोर्ट में मिस्टर इफ्तखार, मुझे कानून मत पढ़ाओ। ये मैंने उस वक्त पढ़े थे जब शायद तुम पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, तशरीफ लाइए। माफ कीजिएगा शौकत साहब, वो दरअसल आजकल। शौकत मेरा नाम है खातून, ये तो मेरा असिस्टेंट है इफ्तखार। आई एम सॉरी। आप तशरीफ रखिए ना, चाय तो आप पिएंगी ना। आई एम सॉरी। नाजर, मिस साला के लिए ठंडा। यस सर। जी नहीं, चाय। चाय। ओके सर। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। मैं बड़ी देर से आपका मुंतजर था। आपकी तारीफ। मेरा नाम अमरीन है, मैं डेली आवाज में रिपोर्टिंग करती हूँ और फीचर्स भी लिखती हूँ। ओह, तो आप हैं मिसम भाई, खासी मशहूर शख्सियत है आप तो। आपकी फीचर में अखबारों में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। थैंक यू। क्यों सर, आपने भी उन्हें पढ़ा होगा? हाँ हाँ, वो जिस काम के सिलसिले में तुम मेरे पास आए थे इफ्तखार, वो बाद में तय कर लेंगे। दरअसल मिस अम्बरीन मुझे इंटरव्यू करने के लिए आई हैं, और जाहिर है काम की बात इंटरव्यू के बाद। राइट सर। नहीं सर, इन्हें भी बुला लीजिए, अच्छा है, इनसे भी कुछ बातें हो जाएंगी। जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं, अगर सर इजाजत दें तो। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। आपका भी बहुत शुक्रिया इफ्तखार साहब। थैंक यू। आपकी बातों से मेरे जहन में दो तीन फीचर्स का आइडिया आया है, अगर आपके पास कल कुछ वक्त हो तो। ओह श्योर, व्हाई नॉट। मैं सारा दिन यहीं होता हूँ, आप किसी वक्त भी तशरीफ ला सकती हैं। फिर तो आपके साथ मुलाकात होती रहेगी।
मुलाकात बहुत जरूरी है। अच्छा तो मुझे इजाजत है, एक जरूरी काम के सिलसिले में जाना है। हाँ तो मिस संबरीन, इंटरव्यू जरा ध्यान से होना चाहिए, यू नो अगर कवरेज प्रोमिनेंट हो तो। ओके बाय बाय। हाँ तो मिस संबरीन, मैंने अब तक आपको जो बातें बताई वो तो तस्वीर का एक रुख है। दरअसल हमारे जेल का निजाम जो जस्ट अ मिनट, जी बोलिए। हमारे जेल का निजाम बरतानवी साम्राज्य की मखसूस हिकमत अमली का एक हिस्सा है। अब देखिए ना सर, जेलर साहब ने फरमाया कि शेर अली जेल की हदूद से बाहर नहीं जा सकता, उन्होंने इसकी गेट स्लीपर साइन करने से इनकार कर दिया है। नाजिर मियां, जेलर साहब की अदम मौजूदगी में जेल का इंचार्ज कौन होता है? सर आप। इसकी गेट स्लिप कहाँ है? सोच लें जी सर। चलो इसे खुली और ताजा हवा की जरूरत है। अच्छा तुम जाओ। ये शेर अली कौन है? कैदी है, कत्ल के जुर्म में उम्र कैद काट रहा है। और आपने उसे? मिसम्बरीन, मेरा ईमान है मोहब्बत, एतमाद और अंडरस्टैंडिंग से बुरे से बुरे आदमी को सुधारा जा सकता है। एंड शेर अली इज माई टेस्ट केस। ओह, सूरत से तो बड़ा खतरनाक शख्स लगता है ये। हाँ, गुज़श्ता 10 बरस से इसे कैद तन्हाई में रखा गया है। आपने तो सिर्फ कैद का नाम सुना, 2 रोज में यहाँ अच्छे से अच्छा आदमी पागल होकर रह जाए। दरअसल कैदियों की तर्ज अमल का ताल्लुक उनकी जहनी सेहत से होता है। जब हम उन्हें इंसान ही समझते तो उनसे इंसानों का सा रवैया कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इन्हें वो तमाम सहूलतें मुहैया की जाए जो एक नॉर्मल आदमी के लिए जरूरी है। उनके जहन से जुर्म के बोझ को हटाया जाए। आइडिया तो बहुत अच्छा है, आप शुरू करें ना। हाँ मिस अमरीन, मगर प्रॉब्लम यह है कि वो मिस्टर शौकत, आई मीन इट्स अ जनरल एटीट्यूड, इन्हें इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। एंड इंसिडेंटली He's my boss. मैं अखबार में लिखूंगी इसके मुतालिक और डैडी से बात करके उनसे भी लिखवाऊंगी। और अब मुझे इजाजत है। हाँ आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात। आइए प्लीज। हटो पीछे, चलो। सर हुई ना हुई बात, आपने इसकी बेड़ियां खुलवाई और इसने मौका मिलते ही भागने की कोशिश की। इसको फिर से बेड़ियां पहना देंगे। इसे भेज दो मेरे दफ्तर में। यस सर। शेर अली, ना तो मैं तुम्हारे पांव में बेड़ियां डालूंगा और ना तुम्हें सजा दूंगा, इसलिए कि मुझे यकीन है कि तुमने भागने की कोशिश नहीं की। यह जेल का हमला भी अजीब किस्म का हमला है। तुम तो यूं ही दीवार के पास से गुजर रहे होगे और उन्होंने समझ लिया कि तुम भाग रहे हो। हमला सही था डिप्टी, मैंने कहा था ना कि मैं भाग जाऊंगा, तोड़ दूंगा तेरी ये जेल। क्यों मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा।
मिस अमरीन, मैंने आपका फीचर अखबार में पढ़ा। भाई वो माँ, हमें तो पसंद आया, मगर हमारे सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं, वो कुछ नाराज थे। अच्छा, ऐसी तो कोई बात नहीं थी उसमें। खैर छोड़े, आप सुनाए, आप एक कल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना? हाँ, चल रहा है, अखड़ है, प्यार मोहब्बत से समझ जाएगा, दरअसल प्यार की जुबान। मुझे शेर अली की एक तस्वीर चाहिए, मैं उसके बारे में फीचर लिखना चाहती हूँ। जरूर, क्यों नहीं, किसी दिन आप अपना फोटोग्राफर ले आइएगा, मैं तस्वीरें बनवा दूंगा। आपके पास कैमरा नहीं है? मुझे फोटोग्राफी का शौक तो है, मगर दरअसल मेरा कैमरा मेरे गांव में है। आप गांव में रहते हैं? हाँ। लगता तो नहीं। क्यों, चेहरे पे लिखा होता है क्या? आप मुझे इतना भी पेंडू ना समझे, मेरे वाले साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े में। अच्छा। एक गोल मटोल सी बहन है जो कॉलेज में पढ़ती है, कुछ जमीने हैं जिसकी वाले साहब देखभाल करते हैं। मेरा गांव बड़ा खूबसूरत गांव है, कभी आप हमारे साथ चलिए ना। व्हाई नॉट। क्यों शेरे, जंगल की कटाई का काम तो ठीक हो रहा है ना? जी मालिक। ठेकेदार नूर मोहम्मद आए तो उससे लकड़ियां शहर पहुंचाने की बात कर लेना। ठीक है मालिक। और हाँ, मुंशी से कहना कि काम की देखभाल अच्छी तरह करे, मुझे चंद दिनों के लिए शहर जाना होगा इफ्तिखार बेटे के पास। बेहतर मालिक। शेरे, कौन लोग हैं ये? बहुत दिनों से आपसे एक बात करना चाह रहा हूं मालिक। बोलो। कुछ लोग हमारी जागीर के रास्ते सरहद पार स्मगलिंग कर रहे हैं। जागीर में रहकर मुझी को डसता है, अरे अपनी ही जमीन से गद्दारी कर रहा है, लाना था तुझ पर। बोल, इसके लिए काम कर रहा है तो बोल। बोल, उसका नाम क्या है बता, नहीं तो गोली मार दूंगा। बोल! अपने साथ वाली जागीर के नवाब शमशेर खान। आइए वकार साहब, आज आप कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता मैं नहीं, तुम भूले हो शमशेर खान। स्मगलिंग के काले कारोबार के लिए जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है वो मेरी जमीनों से होकर जाता है। छोड़िए नवाब साहब, आइए बैठकर बात करते हैं। पहले भी तुम्हें वार्निंग दे चुका हूं, लेकिन तुम्हारे कारिंदे बार बार इसके खिलाफ वर्जी करते रहे हैं। और ये मरदूत जो मेरी जागीर में रहता है, जिसके आबा अजदाद की कब्रें भी इसी जमीन में है, और जिन्हें रौनता हुआ ये मुल्क और कौम से गद्दारी करता है,
मैं इसे अपनी जागीर से बेदखल करता हूँ और आइंदा। आहिस्ता बात कीजिए नवाब साहब, हम इज्जत वाले हैं। इज्जत वाले हो तो खुद चल कर आया हूँ। याद रखो, अगर आइंदा ये मकरू फेल न रोका गया तो आइंदा मैं नहीं, कानून तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। मैं यही ठीक हूं। क्यों बोला? तुम जाओ। शेर अली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। सुनोगे तो खुश हो जाओगे। क्यों? कोई नई सजा सोची है तुम्हारे जेलर ने? नहीं, नहीं शेर अली, मैंने तुम्हारी सजा में माफी के लिए अफसरों से दरखास्त की थी, उन्होंने मेरी बात मान ली है। लो यहां दस्तखत कर दो। लो। अभी तुम्हारी उम्र भी ज्यादा नहीं है और माशाल्लाह सेहत भी अच्छी है। कोशिश करके तुम नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकते हो। शेर अली ने जिंदगी में किसी का एहसान नहीं लिया। माफी का लफ्ज मेरी किताब में नहीं डिपटे। शेर अली कलमा कुत्ता चाहे नालायक डिप्टे, अब लगे हो जेलर, पर याद रखना मुझे किसी रूर राज की जरूरत नहीं। जब भी मौका मिला तोड़ दूंगा तेरी ये जेल। नहीं लूंगा किसी का एहसान, नहीं मांगूंगा किसी से माफी। एहसान और माफी की नहीं, कानून की दी हुई सजा तुम भुगत चुके हो। इस वक्त तुम इस जेल में महज इसलिए हो कि तुमने, यानी तुम्हारा तर्ज़ अमल, मेरा मतलब है कि समझता हो, सब समझता हो। तू मेरी फिक्र करनी छोड़ दे डिप्टी, जाओ अपना काम कर। नजर। यस सर। ले जाओ इसे। चलो शेर अली। शेर अली, तुम काम नहीं कर रहे हो, क्या बात है? घर याद आ रहा है, बच्चे याद आ रहे हैं? जाने तुम्हें क्या हो जाता है शेर अली, समझने की कोशिश नहीं करते। इस वर्दी के पीछे सिर्फ एक जेलर ही नहीं,
तुम्हारा दोस्त भाई तुम्हारा बेटा भी तुम्हें नजर आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न आजादी के सिलसिले में अभी आपने आईजी साहब के इरशादात सुने। अगरचे मुझे तकरीर का फन नहीं आता, लेकिन आप सब दोस्तों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमने आजादी की राह में बहुत कुर्बानियां दी हैं। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि अपने वतन की जमीन पर हम मोहब्बतों के फूल खिलाएंगे। शुक्रिया। इफ्तिखार साहब बावर्दी ऑफिसर ही नहीं, गाते भी बहुत अच्छा है। दोस्तों मुझे गाना वाना नहीं आता, ये आपसे ऐसी मजाक कर रही है। हमारे कहने पर तो सुनाएंगे नहीं, लेकिन आपके कहने पर सुना देंगे। दुनिया में प्यारे हम सब कैदी हैं, हम सब कैदी हैं। इस दुनिया में प्यारे हम सब कैदी हैं, हम सब कैदी हैं। अपनी अपनी कैद काट के सबको जाना है, सबको जाना है। इस दुनिया में प्यारे हम सब कैदी हैं, हम सब कैदी हैं। सांसों की पतवार से जीवन कश्ती खेनी है, जीवन कश्ती खेनी है। अपनी अपनी भूल की हमको कीमत देनी है, हमको कीमत देनी है। वो बैठे हैं जिसका अपनी कैद काट के सबको जाना है, सबको जाना है। इस दुनिया में प्यारे हम सब कैदी हैं, हम सब कैदी हैं। जैसे पंछी
हम सब कैदी हैं, अपनी अपनी कैद काट के सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है, तो अपनी दानिश में समझा होगा साहब कि शेर अली भाग गया। पता नहीं तूने क्या कर दिया है साहब। नहीं नहीं सब, अब शेर अली नहीं भागेगा, नहीं भागेगा शेर अली जेल से, नहीं भागेगा। बता दो कि आखिर बार बार तुम जेल क्यों तोड़ते रहे हो साहब। तुम बहुत अच्छे हो लेकिन एक कैदी का दुख कानून की पलकों पे आंसू बनकर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता साहब। रहने दो साहब। बताओ ना बाबा, आप इस जेल में कैसे आए? क्या बताऊं बेटा? अपने गांव के बारे में, अपने घर के बारे में। हाँ, मेरा भी एक गांव था। गांव ऐसे गांव होते, मेरा भी एक घर था जैसे तुम्हारा घर। लेकिन मेरे घर को जमाने की नजर खा गई और शेर अली एक किसान से शेरा डकैत बन गया। We'll be right back.
शेर अली के घोड़े की धूल में गुम हो गया हाजरा, मैं तेरी तरफ ही आ रहा था। मेरे घर का रास्ता भूले तुझे कितने मौसम बीत गए हैं शेर अली। देख तेरे आंगन में कैसा फूल खिला है। कैसा है मेरा कासिम? खुद ही देख लेना। सोचती हूँ जब ये बाप का नाम लेना सीख जाएगा तो तुझे पहचानेगा कैसे। तू फिक्र ना क्या कर हाजरा, ये उस बाप की औलाद है जिसके नाम की गूंज से पहाड़ों के सीने में दरारें पड़ जाती हैं। ये रास्ता छोड़ दे शेर अली, चल कहीं दूर, मोहब्बत की एक नई दुनिया बसाते हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए ये रास्ता छोड़ दे शेर अली, ये रास्ता छोड़ दे। मुश्किल है हाजरा, बहुत मुश्किल है। अब मैं इस रास्ते पर बहुत आगे निकल आया हूं। अगर तुम इतना ही दूर जाते हो तो फिर इसे भी अपने घोड़े की सुमो तले लौट डालो। लौट डालो इसे, अब हमसे जिंदगी का बोझ नहीं उठाया जाता। मुझे तुमसे बिछड़ने का दुख भी है, लेकिन मैं अपने नन्हे कासिम के लिए अपनी जिंदगी का रास्ता बदल रहा हूं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज साथियों, खुदा हाफिज। देख हाजरा, देख मुझे देख के कैसे हंसता है। लो खाना खा लो शेर अली। अरे भागवरी, हम तो खा ही लेंगे, पहले इसके खाने का तो बंदोबस्त कर। इसे मुझे दे। कहा था ना कि मैं रास्ता बदल लूं। अब देख हाजरा, मेरे साथ तेरी सजा भी शुरू हो जाएगी। ये ले। इस तरह शेर अली इंसान से वैशी बन गया। वक्त गुजरता रहा और मैं जेल तोड़ता रहा। साहब, अब तो बस एक ही आस है कि वो मुझे मिल जाए। शेर अली, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा बेटा ना मिला तो? ना बेटा ना, ऐसा न कहो। दुनिया में उसके सिवा मेरा है ही कौन। साहब, अगर वो मुझे ना मिला तो
जी के क्या करूंगा साहब। हौसला रखो रे, तुम्हें तुम्हारा बेटा जरूर मिलेगा। उसे उसे मिलके ढूंढेंगे साहब। तुम हाँ शेरे, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आइंदा जिंदगी एक अच्छे और फर्ज शराब शहरी की तरह गुजारो। पर रिहा करवाने तक तो तुम्हारी बात मेरी समझ में आती है, लेकिन ये जो तुम उसे अपने गांव में जमीन दे रहे हो और उसे सेटल करवा रहे हो, मैं इसके हक में नहीं। आखिर तुम किस किस को बात करोगे? लेकिन सर, जब तक हम किसी को इज्जत और आबरू से जिंदा रहने का मौका फराहम नहीं करते, उस वक्त तक हम उसे भलाई की तवक्को कैसे कर सकते हैं? ये तो महज एक तजुर्बा, देखिए वो क्या करता है। ये तुम नहीं बरखुरदार, तुम्हारे तजुर्बे की कमी बोल रही है। लिख लो मेरी बात, 3 महीने के अंदर अंदर शेर अली फिर यही होगा, इसी जेल में। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। एक बात कहूं सर, किसी ने कहा है कि दुनिया में हर आने वाला बच्चा इस बात का सबूत है कि खुदा भी इंसान से मायूस नहीं हुआ है, तो फिर आप क्यों मायूस हैं सर? शेर अली को मैं गांव ले जा रहा हूं और आप देखिएगा, इंशाल्लाह मैं अपने तजुर्बे जरूर कामयाब हूंगा। वेरी गुड, कैसी लगी ये जगह शेर अली? डैड, मेरा ख्याल है ये जगह शेर अली के लिए सही रहेगी। तो ठीक कहते हो इफ्तखार। देखो भाई, ये जमीन सिर्फ मेहनत मांगती है, ये सब लोग तुम्हारे साथ हैं, ट्रैक्टर कल तक आ जाएगा। इसके अलावा अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी चौधरी साहब। नहीं नहीं नहीं, इसमें मेहरबानी की क्या बात है भाई, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है कि वो एक दूसरे के काम आए। और फिर मैं तुम पर कोई एहसान तो नहीं कर रहा हूं भाई, जमीन मेरे लिए बेकार पड़ी थी, मैंने सोचा अगर तुम्हारे काम आ जाएगी तो मेरा क्या जाएगा, और फिर मेहनत भी तो तुम्हें ही करनी है ना। आज से ये घर तुम्हारा है शेर अली, मैं तो चंद दिनों में ड्यूटी पर चला जाऊंगा, और अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई और जरूरत महसूस हो तो बिला तकल्लुफ हवेली पहुंच जाना। पर साहब, जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिलता, मेरे लिए सब कुछ बेकार है साहब। वो तो ठीक है, कौन रोक रहा है तुम्हें उसे तलाश करने के लिए, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे साथ। नहीं साहब, जब तक मैं जेल में था उसकी याद मुझे सोने नहीं देती थी, और अब तो उसके बगैर जागा भी नहीं जाता। ठीक है, तुम उसे जरूर तलाश करो, लेकिन जब वो मिल जाए तो उसकी इत्तला मुझे जरूर देना। वो एक बार मिल तो जाए साहब, मैं उसे लेकर सीधा आपके पास शहर आऊंगा। बिल्कुल ठीक, मैं फीचर बनाऊंगी उस पर। एक तो तुम लोग हर चीज में खबरें निकाल लेते हो। नो, ये कोई छोटी बात है, आप अपने बेटे के साथ जरूर आइएगा शेर अली साहब। जरूर आऊंगा बेटी, तुम दुआ करना। जरूर करेंगे। हाँ, इसकी दुआ जरूर कबूल होगी। अच्छा शेर अली, चलते हैं। खुदा हाफिज साहब। आओ, तुम्हें गांव की सैर कराएं। अच्छा, खुदा हाफिज। काजल में तारे हैं गुम,
खूबसूरत है। गांव के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे। अच्छा, तो बस यहीं आ जाओ ना गांव में। क्या बात है गांव की, सरसों का साग, मक्खन, पराठे, लस्सी, दूध। हाँ जज, अमरीन को यहीं बुला लीजिए, इतनी बड़ी हवेली में मेरा तो दिल नहीं लगता। ओह यस, गुड आइडिया। बस अब तुम यहीं रहोगी। लेकिन अंकल वो... नो नो नो, अंकल वंकल बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई अखबारी निकालना है ना शहर में, तो हम तुम्हें यहाँ प्रेस लगवा दें। हाँ डैड, आपको कतई नुकसान नहीं होगा, बड़ी खूबसूरती से अखबार निकालेगी। माशाल्लाह बहुत जहीन बच्ची है जी। क्या वो डैड? अब तुम यहीं रहोगी। ओके अंकल। तुम आओ हमारे साथ। क्या चक्कर चला रहा हो तुम? चक्कर डैड, अच्छी लगी?
उल्लू के पट्टे, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं? इसे है अच्छी डैड। गांव में मेरी बीवी और बच्चा रहते थे, वो कहाँ है? तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी बीवी भी गांव छोड़कर चली गई। आखिरी दफा उसे सिकंदरपुर जाने वाले रास्ते पर देखा गया, उसके बाद का कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ गई। आज से तकरीबन 20 बरस पहले एक तन्हा औरत अपने बच्चे के साथ यहां सिकंदरपुर आई थी, आपको उसका कुछ इल्म है? हाँ भाई, हम उस औरत को कैसे भूल सकते हैं? उसके मरने के बाद उसका बेटा बस्ती वालों के लिए अजाब बन गया है। सजावल का नाम सुनकर लोग कांपने लगते हैं। वो तुम्हें चौधरियों की हवेली में मिलेगा या पीर बाबा के मजार पर। जुल्म का हर बार सहा है मैंने, अब सजावल जिंदा रहने के लिए इन ऊंची हवेलियों से खिराज वसूल करता रहेगा। हमने तुमसे कभी बदहरी नहीं की सजावल, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलता रहा है। ये अंगारे तूने बीजे थे, आपकी ये फसल भी तुझे ही काटनी होगी। एक मौका और दे दो सजावल, तुम्हारे हिस्से की रकम हम तो पे खुद ही पहुंचा देंगे।
कितनी बार कहा है तुझे मेरा रास्ता ना काटा कर। हाँ हाँ, तेरे बनते काम बिगड़ते हैं ना, बड़े अच्छे काम है तेरे। सुन, मेरे जैसी लड़की सारे गांव में नहीं है, वैसे तुम में कोई खास खूबी तो नहीं है, फिर भी अच्छा लगता है। मर्द बच्चा है ना, सारा गांव डरता है तुझसे, पर यही बात अच्छी लगती है मुझे। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? नौ से कोंडा है, और मैं तो रोजाना पीर बाबा के मिजार पे जाके दिया जलाती हूँ और तेरे मिलने की दुआएं मांगती हूँ। सुन नूरी, तुझे मेरे पास नफरतों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। जा अपनी माँ से कह दे तेरे लिए कोई और बार तलाश करे, जा। तू नहीं मिलेगा तो नूरी कुंवारी ही रह जाएगी। और सुन, गाँव की लड़कियाँ जब पानी भरने जाती है ना, तो सारा रास्ता तेरी ही बातें करती है। अच्छा, क्या कहती है वो? तेरी बंदूक के डर से कोई कुछ नहीं कहता, मगर नूरी जरूर कहेगी कि तू किराए का कातिल है। हाँ, जमाने की ठोकरों से जीने का यही ढंग सीखा है मैंने। सुन, अब तू कुएं पर जाएगी ना, तो कह देना अपनी सखियों से, माओ की कोख से फरिश्ते पैदा होते हैं और जुल्म की कोख से सजावल पैदा होते हैं। तेरे रहम से, तेरे करम से सजावल के दिन गुजर रहे हैं। तू सच्चा साईं, तू सच्चा। तुम सजावल हो? हाँ, मैं ही सजावल हूं। बोल, काम क्या है? किसी ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है, कोई बेटी उठाकर ले गया तेरी, या किसी से दुश्मनी है? नहीं, ये बताओ, तुम्हें अपने माजी के बारे में कुछ याद है? माजी, सजावल के माजी से तेरा क्या ताल्लुक है? तुम सजावल नहीं, कासिम हो। तुम्हें ये नाम किसने बताया है? कौन हो तुम? ये नाम मैंने खुद रखा था। मैं शेर अली हूं। शेर अली तुम्हारा बाप। ही वो शख्स हो मजलूम और बेसहार औरत को छोड़कर चले गए। तुम्हें मां याद है? हाँ, उसके आंसू भी याद है। और तुमने ये रास्ता क्यों अख्तियार किया? तेरे नाम से जो नफरतें मेरी मां के हिस्से में आई, वही लौटा रहा हूं जिस मोड़ पर
तुम हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने अपने सफर का आगाज वहीं से किया है। कासिम, बेटा मैं तुझे लेने आया, चला घर चल, हम फिर से नई जिंदगी शुरू करते। कौन सी जिंदगी की बात करते हो तुम? नफरत है मुझे जिंदगी से। बचपन जागीरदारों की शराब ढोते ढोते गुजर गया, मां के आंसू देख देख कर दिल पत्थर हो गया। घर चला गया से, ज्यादा बाप बनने की कोशिश की तो दूसरी गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। घर चला गया से। सजावल, तुम्हें बड़े सरदार का आदमी बुलाने आया है। सरकार, सजावल, जिस दीवार में दरवाजा न बन सके तेरे ख्याल में उसका क्या करना चाहिए? उसे गिरा देना चाहिए सरकार। इसीलिए तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मगर चूंके चुनाचे ये करने वाले लोग मुझे जहर मालूम होते हैं। मर्दों के फैसले एक मिनट में होते हैं, हरने या बनने। काम क्या है सरकार? सुल्तानपुर के चौधरी वकार, समझ गए ना? हाँ, मगर सरकार चौधरी वकार बड़े असर रसूख वाला चौधरी है। अगर शुरू में जरा किसी छोटे चौधरी पर हाथ डाला जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। हो सकता है इस तरह चौधरी वकार को अकल आ जाए। जिस आदमी को ईमानदारी का हैजा हो जाए नजरे से आसानी से समझ नहीं आती। 10 छोटों पर हाथ डालने से एक बड़े पर हाथ डालना बेहतर होता है, क्यों फर्जंदली? बिल्कुल ठीक है डैड। कुत्ते बिल्लियों के मरने का कोई नोटिस नहीं लेते, लेकिन जब हाथी मरता है तो उसके गिरने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। एंड दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है सरकार, जो हुक्म। ठहराओ, ये काम तुम नहीं सजावल करेगा। मैं चाहता हूं ये काम इतनी सफाई से हो कि पुलिस की नजर हम तक न जा सके। मक्तूल कातिल और कत्ल की वजह ऐसी हो जिसे जहन तस्लीम न करे। इसलिए यह काम ऐसे शख्स से कराना होगा जो तुम्हारी तरह बहादुर और अकलमंद हो लेकिन उसे कोई पहचान न सके।
एग्जैक्ट। और तुम्हें सुल्तानपुर का बच्चा बच्चा जानता है। तुम सजावल नहीं, मेरे बेटे कासिम हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। यह काम एक हफ्ते में हो जाना चाहिए सजावल। काम तो इससे पहले भी हो जाएगा सरकार, लेकिन सजावल ललकार कर वार करने वालों में से है। ऐसे खुफिया कत्ल का क्या फायदा जिसका कहीं कोई खड़ाक ही ना हो। खड़ाक होगा सजावल, पूरा इलाका गूंज उठेगा इस खड़ाक से। लेकिन मसला तो सिर्फ कानून को गलत रास्ते पर लगाने का है। आपके होते हुए पुलिस मेरा क्या बिगाड़ सकती है सरकार। हाँ, अगर किसी को डराना है तो ये काम जरा खुल खुला कर होना चाहिए। ये बातें तेरी अकल से बहुत ऊंची है सजावल। तुझे जो कहा जा रहा है वो कर, दैट्स ऑल। चौधरी फरजंद का मतलब है जवान, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चौधरी वकार कोई मामूली मुजाहरा नहीं या किराए का बदमाश। उस पर सामने से हमला किया गया तो शोर मच जाएगा, और ये शोर हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। समझ गए ना? मैं आज शहर जा रहा हूं, कमिश्नर साहब के घर खाना है। तुम सुबह आना, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है और किस तरह करना है। तुम भी जाओ नजरे। बेहतर सरकार। पुत्र फजंद अली, खोते और घोड़े को एक ही लाठी से नहीं हांकते। मैं बेकार था। मैंने सोचा तुम्हारी चीजें ही ठीक कर दूं। मेरा ख्याल था तुम जा चुके होगे। चला जा तो, लेकिन बेटे 20 बरसों की खोई हुई मंजिल छोड़कर कहां चला जाता इस इतनी बड़ी दुनिया में। तेरा सवाल मेरा है कौन? चाहते क्या हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं, हर वक्त तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूं। मैं अपने आंसुओं से तुम्हारे उन जख्मों को धोना चाहता हूं जो तुम्हें माँ और बाप की दूरी से मिले हैं। मैं तुम्हें वो सारी मोहब्बत देना चाहता हूं जो औलाद का हक है। तुम सुल्तानपुर क्यों आए? बस यूं समझ लो, कुदरत को मुझ पे तरस आ गया और मैं तुम तक पहुंच गया ताकि मैं अपनी खोई हुई जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकूं। पता नहीं क्यों दिल को तुम पर एतबार सा आ गया। ठीक है, तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। सच सच कह रहे हो? तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे पास रहोगे? अरे वाह, तुम तो बिल्कुल
चट्टी लगती हो। चलो वो लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आना, जब शहर आओगी ना तो मेरी मेहमान बनोगी। ताजदीन, सामान रखो मेरा, तैयार हो गई। आप तैयार हो गए? एक तो तुम खवातीन बनाओ सिंगार में सारा वक्त बर्बाद कर देती हो। डैड कहाँ? इधर। डैड आया बेटा, आप भी औरतों की तरह डैड। भाई हमारी मर्दान की भी शक ना करो बेटा। क्या बात है भाई, तुम लोग तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हो। बस डैड आप ही का इंतजार था। अच्छा बेटा, अपनी खैरियत की तलब भिजवाते रहना। बिल्कुल डैड। डैड आप भी तो शहर आए ना कभी,
दिल नहीं लगता हमारा। क्यों, अब तो लग जाना चाहिए। Come on, Dad, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारी बात कर रहे हो। बेटा तुम्हें तो मालूम है कि जमीन के झंझटों से फुर्सत कहाँ मिलती है, लेकिन अगर वक्त मिला तो हम जरूर आएंगे। और हाँ बेटा, सुनो, जरा अपनी नेक कमाई में से शहर से हमारे लिए तंबाकू का एक अच्छा सा डब्बा तो भिजवा दो। राइट, ओके डैड। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा जीनत, अब मैं चलती। मेरा तो जी चाहता है आप यहाँ से जाइए ही ना। बिल्कुल बिल्कुल जीनत ठीक कह रही। अरे भाई, हमारा तो जी चाहता है कि हमारी बेटी यहाँ से जाए ही ना। जीनत उदास हो जाएगी ना, लेकिन चलो कोई नहीं, चले जाओ चले जाओ। लेकिन याद है बेटे क्या कहा था हमने तुमसे? क्या कहा? लो भूल गई। अरे भाई, हमने तुमसे ये कहा था कि हम यहाँ तुम्हारे लिए प्रेस लगवा रहे हैं। आइंदा अखबार यहीं से निकलेगा। है ठीक, अखबार जब निकलेगा निकलेगा। फिलहाल खातून आप तशरीफ ले चलिए। चलिए आप। अच्छा, खुदा खुदा हाफिज। अच्छा मोटी, डैड का ख्याल रखना। आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा अच्छा जी, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आपने तो लगता है जैसे मेरे पूरे खानदान पर जादू कर दिया है। सभी आपके दीवाने हो रहे हैं। इन सभी लोगों में कौन कौन शामिल है? सभी। अच्छा, आप भी? हाँ। रास्ते पे ध्यान रखिए, जरा गाड़ी यहाँ रोकिए। क्यों, खैर तो है, क्या बात है? मेरा जी गाड़ी ड्राइव करने को कर रहा, आपको एतराज तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, मोस्ट वेलकम। कहाँ चले जाते हो बेटा? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नई जगह है ना, तबीयत जरा घबरा जाती है तो शहर के लिए बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारा घोड़ा बहुत शानदार है। हाँ, वो डंगे का चौधरी है ना, सफदर हुसैन, 30,000 दे रहा था इसका, कह रहा था रेस में दौड़ाऊंगा। बड़ी ऊंची नस्ल की चीज है ये। अच्छा, अब जल्दी से आ जा, रोटी खा ले, भूख बहुत लगी। रोटी मैं खा के आया हूं, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरा इंतजार मत किया करो। इस इंतजार में बहुत मजा है बेटा। तुम बाप होके मां जैसी बातें मत किया करो। मुझे तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। जाओ जाके रोटी खा लो। वो चौधरी वकार साहब आए थे, तुम्हारा पूछ रहे थे, उन्हें सलाम करने जाया करो बेटा, वो हमारे मोहसिन हैं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं आदमी हूं किसी और टाइप का। मुझसे किसी की खुशामद उशामद नहीं होती। लेकिन इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है। और सुनो, चौधरी साहब कह गए थे कि वो वापसी पे इधर से ही गुजरेंगे, तुम घर पे रहना। लेकिन ये चौधरी साहब इधर क्या लेने गए? अरे भाई, वो डिप्टी कमिश्नर साहब ठहरे हुए डाक बंगले में, वो उनसे मिलने गए थे। हाँ। डाक बंगला।
लड़की, औरत सजावल की कमजोरी नहीं। जिस किसी ने भी सजावल की बंदूक से शोला निकलते देखा, फिर वो दुनिया में कुछ नहीं देख सका। की चीज थी उसने ले ली। बहुत अफसोस हुआ चौधरी साहब का, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े नेक आदमी थे बड़े चौधरी साहब। शेर अली, सब्र करो बेटा, सब्र करो। तुम्हारा बाप बहुत बड़ा आदमी था, और अब कसम है मुझे पैदा करने वाले की, कातिल अगर जमीन की सातवीं तह में भी हुआ तो मैं उसे वहां से निकालकर तुम्हारे कदमों में जरूर डालूंगा, जरूर डालूंगा बेटा, जरूर डालूंगा। मेरी तफ्तीश के मुताबिक तो चौधरी साहब, इस वारदात में आपके ड्राइवर ताजदीन के अलावा और किसी का हाथ नहीं। सिर्फ उसे इस बात का इल्म था कि चौधरी साहब के पास 70,000 रुपए की रकम मौजूद है, और उसके पास मौका भी था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। ताजदीन हमारा खानदानी मुलाजिम है, उसकी बीवी, बच्चे, अजीज रिश्तेदार सब यहीं हैं। वो ऐसे कैसे कर सकता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आप अभी जवान हैं। दौलत बड़े बड़ों का ईमान डगमगा देती है, लोग 200-400 रुपए पर कत्ल कर देते हैं। यहां तो वो और लोग होते हैं इंस्पेक्टर साहब, ताजदीन ने मुझे गोद में खिलाया, इससे बड़ी बड़ी रकमें अब्बा जी उसके हाथों मंगवा और भिजवा चुके हैं। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। डिप्टी साहब ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ताजदीन से तो मैं भी मिला, वो तो बड़ा भला सा आदमी लगता है। अक्सर कातिल भोले चेहरे वाले होते हैं भाई साहब। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो कातिल नहीं है तो फिर कहां है, सामने क्यों नहीं आता? शायद उसे कातिलों ने ठिकाने लगा दिया।
और उसकी लाश जादू के जोर से गायब कर दी है। आप कैसी बातें करते हैं भाई साहब? ये हमारा काम है और हमारा हर रोज का काम है। मुजरिम ड्राइवर ही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी तफ्तीश का रुख सिर्फ ताज दिन तक महदूद ना कीजिए। कब से देख रही हूँ तेरी राह। तेरे लिए पहने हैं ये गहने, देख अच्छी लग रही हूँ ना। सुन नरी, तुझे मेरे पास नफरतों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हर वक्त आग की तरह जलता रहता है, कभी ठंडा भी हो। Thank you.
क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, कहां गए थे? डिप्टी से मिलने गया था बेटा। हाँ सुना है वो शहर एसपी से मिलने गया था, क्या बना? बनना क्या था बेटा, कुछ नहीं बना। उसका भी ये ख्याल है कि चौधरी साहब का कत्ल ताजदीन ने ही किया है। मुझे पता लगा है कि पुलिस ने ताजदीन की तस्वीरें शहर के सारे थानों में लगवा दी। एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा ना। नहीं बेटा नहीं, ये काम ताजदीन का नहीं है, इसके पीछे तो लंबा चक्कर है। मुझे शुबा है कि इस सारे के सारे काम में कहीं ना कहीं सिकंदरपुर वालों का हाथ है। वो कैसे? कुरेदने पर बहुत सी बातों का पता चला है, अब हमें सबसे पहले ताजदीन को तलाश करना है। अगर वो जिंदा है तो मुझे यकीन है कि वो जरूर इसी इलाके में मौजूद है। अगर वो इसी इलाके में मौजूद है तो फिर वो बड़ा ही बेवकूफ आदमी है। अपना भी यही ख्याल है कि कातिल ताजदीन ही है, लेकिन सर मेरे पास वाकई कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन मैंने सारी जिंदगी इस गांव में गुजारी है, डैडी के कत्ल के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। मेरा मतलब है उसका कोई साथी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। करीब तरीन स्टेशन यहां से 5 मील के फासले पर है, जीप की मौजूदगी में किसी शख्स का इतनी बड़ी रकम लेकर लाशी पीछे छोड़ के जाना किस कदर अहमकाना बात है, जरा सोची तो सही। मैं आपके जज्बात को समझता हूँ इफ्तखार साहब, लेकिन मेरा वास्ता हर रोज ऐसे मुजरिमों से पड़ता है जो कत्ल तो कर लेते हैं लेकिन कत्ल की दहशत से हवास बाख्ता होकर कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जाए वारदात से 20 गज के फासले पर मिला है और इस चीज के सबूत मौजूद हैं कि कोई शख्स अपने घोड़े के साथ वहां काफी देर तक खड़ा रहा। आई एम सॉरी सर, आपकी तफ्तीश का रुख ताजदीन के बजाय उस शख्स की तरफ होना चाहिए। पुलिस का काम हकायक की जांच पड़ताल करना और असल मुजरिम को तलाश करना है, ना कि मैं इस पे बैठ के मफरूजे कायम करना। साहब बहादुर देखो बड़े मियां, हमारे पास तो जो भी आता है वो मशकूक लोगों की एक लंबी फहरिस्त लेकर आता है। अगर हम सबकी बातें सुनना और उस पर अमल करना शुरू कर दें तो जानते हैं क्या होगा, एक कयामत आ जाएगी। तो गोया आपके ख्याल में मेरे बाप और बहन का कातिल ताजदीन के अलावा और कोई नहीं? नहीं मैंने ये नहीं कहा, मेरा मतलब ये है कि देखो बरखुरदार, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं लेकिन आज से मेरे और आपके कानून के रास्ते बदल गए। मैं अपने बाप और बहन के कातिलों को खुला और आजाद नहीं छोड़ सकता। वो कानून से बच सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। तेरा नाम जंगू है, इलाके के थानेदार से पूछ। ये नाम तुझे थाने में सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा। तेरा रिकॉर्ड
मैंने देख लिया है। फिर तो तुम ये भी जानते होगे। तुम जैसे बाबू के कत्ल में 7 साल की कैद काट कर आया हूं, क्या इरादा है? ये तुम्हारा है? मेरा हो भी तो तुम्हें इसे क्या? बोल। मेरा इस लॉकेट से कोई ताल्लुक नहीं। अब बताओ क्या कहते हो? नहीं, ये लॉकेट मेरा नहीं है। साहब, ये जंगल में क्या तलाश कर रहे हो? कातिल के कदमों के निशान। आज मुझे ये रकाब मिली है। मेरा ख्याल है कि शायद इसका ताल्लुक किसी मुजरिम या कातिल से हो, जिसे घबराहट में भागते हुए उसे उठाने की मोहलत भी ना मिली हो। शेरली, तुमने तो अपना माजी इन पहाड़ों में गुजारा है, इस इलाके के जराइम पेशा अफराद से शनासा भी हो गए। मुमकिन है ये रकाब हमें कातिल तक पहुंचा दे। नाम? नजरा कहते हैं मुझे। गांव के लोगों ने मुझे बताया था कि मेरे बाप ने तुम्हें जागीर से निकाल दिया था। बड़े आदमी थे, गरीब आदमी का जुर्म ना भी हो तो फिर भी सजा उसे मिलती है। मैं अपने बाप को जानता हूं, उन्होंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। सच सच बताओ, क्या वजह थी जिस पर मेरे बाप ने तुम्हें जागीर से निकाला? एक बार बता चुका हूं। पता, मेरे बाप ने तुम्हें जागीर से क्यों निकाला था? पता, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम्हारा जागीर से निकाला जाना भी मेरे बाप के कत्ल की कड़ी है। बताओ तुम्हें क्यों निकाला गया था? एक बार कह दिया ना,
मुझे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। बड़े आदमी हो ना, इसलिए गरीब पर जुल्म कर रहे हो। तुम्हारा नमक खाया वरना। नमक खाया? तुम्हें सूरज गुरूब होने तक की मोहलत देता हूं। अगर तुम्हारी जुबान ने सच ना उगला तो आज का ढलता सूरज तुम्हारी लाश देखेगा। बड़ी अकलमंदी की साहब कि आप इधर आ गए। अगर घर जाते ना तो ज्यादा खून बह जाता। खड़ा पे दग गया था शेर अली, वरना मैं कातिल तक पहुंच जाता। तुम अपने लिए कोई जीप शीप रखो चौधरी जी, ये घोड़सवारी जरा जवानों का काम है। बहुत बोलता है, बहुत बोलता है साहब। ये सजावल है, आप इससे पहले तो मिल चुके हैं ना? अब्बा जान के जनाजे पे मुलाकात हुई थी, फिर नजर ही नहीं आया। लेकिन मैं तो हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने रहता हूं डिप्टी। इसकी हड्डियों को भी चैन नहीं है, बड़ी बेचैन बोटी है। ये लो। लगता है हड्डी बच गई। दिल और जख्म के दरमियान थोड़ा ही फासला रह गया। फासला तो मेरे और कातिल के दरमियान भी कम होता जा रहा है। हाथ लग गया तो एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। मेरे बाप का शुक्रिया अदा करो चौधरी जी, हर वक्त तुम्हें दुआएं देता रहता है। इसी की दुआओं ने बचा लिया तुम्हें। बेटा समझता है ना तुम्हें? हाँ हाँ, ये भी मेरा बेटा है। बेटा तुम्हें किसी पे शक तो होगा? हाँ नजरा, मैंने उसे शाम तक की मोहलत दे दी है। वो इस कत्ल के बारे में बहुत कुछ जानता है। मैं नहीं समझता तुम पर हमला करने के बाद वो गांव में रुका होगा। नजरा, वो मुझ पर हाथ उठाने की जुरत नहीं कर सकता शेर अली। उसके पीछे जरूर कोई और है, और अगर सिकंदरपुर वालों ने उसे अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए यहां भेजा है तो वो वापस नहीं जा सकेगा।
वो अपनी दानिश में मुझे मार चुका है। अब यही मौका है कि मैं उसकी गर्दन दबोच कर असल बात उखलवा लूं। उसकी आमद और अब्बा जी के कत्ल में जरूर कोई ताल्लुक है। मतलब है तुम्हारा जागीर से निकाला जाना भी कत्ल का बाइस है। मैंने इसे हलाक नहीं किया, मैंने इसे हलाक नहीं किया। नजरे को मारकर अच्छा नहीं किया सजावल, वह हमारा भरोसे का आदमी था। चौधरी बड़ा दलेर और अक्ल वाला आदमी है सरकार, और इस वक्त उसके सर पर इंतकाम भी चढ़ा हुआ है। अगर मैं उसका रास्ता ना रोकता तो वह इस वक्त यहां भी पहुंच जाता। चलो जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। ये तेरा थानेदार सुल्तानपुर का दबाव सह लेगा? क्यों नहीं सहेगा, बहुत मजबूत आदमी है। फिर भी उस पर नजर रखना, तुम अभी यहीं रहो। थानेदार साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इफ्तिखार बेगुनाह है, वो एक जिम्मेदार ऑफिसर है, वो कत्ल नहीं कर सकते। लेकिन बीबी, सारा गांव गवाह है, नजरे को उसने धमकी दी थी और वो मौके पर मौजूद भी था। वो पढ़ा लिखा शख्स है, अगर वो मुजरिम नहीं था तो फिर उसे फरार होने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये इल्जाम है। कानून ठोस सबूत मांगता है, ये इल्जाम है होगा, लेकिन आपको साबित करना होगा। मैं अपनी कार्रवाई करूंगा और आपको इख्तियार है कि आप उसे बेगुनाह साबित करें। That's all. ठीक है, मैं एसपी साहब से खुद बात करूंगी। मुझे तो समझ नहीं आती, तो
तुम जैसे समझदार पढ़े लिखे और कानून जानने वाले शख्स को हो क्या गया? बगैर सोचे समझे, बगैर किसी कसूर, तुम एक मफरूर डाकू की तरह जंगलों में छुपते फिर रहे हो, आखिर क्यों? हकीकत की दुनिया किताबों की दुनिया से मुख्तलिफ होती है अम्बरे। इंस्पेक्टर अहमद शाह मेरी गर्दन के लिए फंदा फिट करके बैठा हुआ है, उसके आदमी मुझे कुत्तों की तरह तलाश करते फिर रहे। ऐसे में अगर मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं तो मामला साफ होने में वक्त लग जाएगा और मेरे पास इंतजार का वक्त नहीं। तुम्हारा तो दिमाग घूम गया, और अगर ये जख्म बिगड़ जाता तो? अमरीत, एक बार मेरे बाप के कातिल मिल जाए तो फिर ये हाथ क्या जान भी चली जाए तो उफ ना करो। इफ्तिखार, इफ्तिखार, तुम्हारी जिंदगी इतनी मामूली चीज नहीं, कानून से मैं खुद बात कर लूंगी। मेरी बात मानो, मानो। हाँ, तुम वापस शहर चली जाओ। फिर वही जिद। प्लीज कोई और बात करो, ये नहीं हो सकता। सुनो कि उजड़े हुए शहर दोबारा आबाद नहीं होगा। इफ्तिखार, मोहब्बत का दरिया बारिशों का मोहताज नहीं होता। मेरी आंखें, तू मेरा सपना, तेरे बिना सजना, कुछ और देखूं ना, कुछ और देखूं ना, कुछ और मांगूं ना, तू मेरी आंखें।
जैसी पिया रात हो, तू मेरी मंजिल, तू मेरा रास्ता, तेरे बिना सजना कुछ और मांगो ना, कुछ और मांगो ना, कुछ और मेरा खून है, तुम फिक्र न करो, मैं उसे सुधार लूंगा। तू नहीं, बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग संभल जाते हैं, वो तो जवान लड़का है। ये सारी की सारी खराबी सिकंदरपुर के चौधरियों की वजह से आई है, वही इस तबाही के जिम्मेदार हैं। एसपी साहब एक्शन कर रहे हैं, इंटाला चंद दिनों में उनका भी बंदोबस्त हो जाएगा। तुम नहीं समझती बेटा, उन लोगों का बड़ा असर रसूख है ऊपर। जब कानून हरकत में आता है ना, तो सब रसूख वसूख ठहरे रह जाते हैं। एक बेटे को मनाना है और दूसरे बेटे को ढूंढना है। दुआ करना बेटी, अल्लाह मेरी मदद करे। शेर अली, सजावल अपना सामान डेरे पे छोड़ गया था। ले आ, ले आ। ये काठी मुझे दे दे और ये बक्सा अंदर रख दे। जाते वक्त गुस्से में था, शायद इसीलिए अपनी चीजें भूल गया। चलो अच्छा हुआ उसकी कोई निशानी तो अपने पास रही। आज इसी पे सवारी करूंगा। इफ्तिखार को कहिएगा मैंने पुलिस हुकाम से राब्ता कायम किया है, उसे कहना खुदा के लिए कोई गलत कदम ना उठाए। जरूर कहूंगा बेटी, जरूर कहूंगा। मुझे ये रकाब मिली है, मेरा ख्याल है कि शायद इसका ताल्लुक किसी मुजरिम या कातिल से हो। नहीं! क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने बनाया? बनाया तो हमने ही है। कुछ याद है आपको कि किसके लिए बना? मेरा तो हाफिज़ा ठीक नहीं है, हो सकता है मेरे बेटे को पता हो। आप इंतजार करें, मैं उनसे अभी पूछकर बताता हूं आपको। शाबाश, ये तुमने अच्छा किया है। अब मैं उससे क्या कहूं सजावल, क्या कहूं उससे? उससे जाओ, उससे कह दो ये लॉकेट जिस आदमी का है वो बाग वाली हवेली में रहता है। छोटे चौधरी साहब की हवेली में? हाँ, जाओ। Thank you.
डिप्टी। सजावल, तो तुम? हाँ मैं हूं तुम्हारे बाप और बहन का कातिल। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सजावल। दीप्टी उस दिन तुम मेरी गोली से बच गए थे, लेकिन आज जो दोस्त तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे वो कुछ और किस्म के हैं। और हाँ डिप्टी, ये जो भूरा है ना, ये बड़ा ही बदलिहाज है। आदमी की आंखें ऐसे निकालता है जैसे शाख से किन्नु तोड़ते हैं। सुन डिप्टी, अब तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। तूने मुझे मेरे बाप से मिलवाया था ना, अब ये कुत्ते तुझे तेरे बाप से मिलवा देंगे। चलो रे, तुझे तो पता ही है मेरा दिल बहुत कमजोर है, मुझसे ये खून खराबा देखा नहीं जाता। चल इसे कहाँ लिए जा रहा है, फेंक दे इसे। कुत्तों से बचेगा तो उठाएगा ना। मेरे बाप का कातिल तेरा बेटा है शेर अली। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ओ जेलर भी गया। मैं तुझे लेने आया हूं। सुन बुड्ढे, मैं तेरा कासिम नहीं सजावल हूं। मैं तेरे पास गांव सिर्फ इसलिए आया था कि मेरा काम आसान हो जाए। वो बेचारा जेलर भी मुफ्त में मारा गया। अब तक कुत्ते खा चुके होंगे उसकी लाश को। नहीं कासिम, डिप्टी बच गया है। तेरे कुत्तों को मैंने मार दिया है, लेकिन तूने तूने एक मासूम इंसान को
जुर्म की राह पे डाल दिया है, जुर्म की राह पे। बड़ा नेकूकार बनता है जा अपना माजी देख, इतना काला इतना स्या, नफरत है मुझे तेरे नाम से, तेरे वजूद का मुझ पर कोई एहसान नहीं। वो औरत जो मेरी मां और तेरी बीवी थी, उसकी गोद के बाद किसी को रहम नहीं आया मुझ पे, और फिर मैंने किसी पर रहम नहीं खाया। मैं तेरे ही आंगन का फलू बुटे, लेकिन कड़वा, अब तो भी इसका मजा चख। जानता हूं जुर्म की ये फसल बड़े लोग अपनी जागीरों में काश्त करते हैं। तू मेरे साथ चल, मैं तेरी सिफारिश करूंगा। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। उस वक्त कहा था जब एक मासूम बच्चे को बाप की जरूरत थी, आज बेटा जवान हुआ है तो उसे अपने बुढ़ापे की बैसाखी बनाना चाहता है। सुन बुढ़े, मैं किसी की बैसाखी बनकर जिंदा रहना नहीं चाहता। जा चला जाएगा से, जाता ही नहीं। जाऊंगा लेकिन तुझे साथ लेकर। मेरा निशाना कभी खता नहीं गया, ये गोली तेरे सीने के पार भी हो सकती थी। जा बेचला जा यहां से, जा। तू शेर अली का असल रूप देखना चाहता है, पहाड़ बूढ़ा भी हो जाए तो पहाड़ ही रहता है। मैं जब घोड़ा लेकर निकलता था तो धूप का रंग सब पर जाता था। शेर अली का नाम सुनकर गांव वीरान रास्ते सुनसान हो जाते थे। तुझे मेरे साथ जाना होगा, मेरे साथ जाना होगा, जाना होगा। मैंने तुझे कहा था ना, मेरा निशाना कभी खता नहीं गया। बोल। अब बोल, तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूं? तुझे कानून के पास चलना होगा, तुझे मेरे साथ जाना होगा, जाना होगा तुझे। गोली चलाना चाहता है तो चला गोली, चला गोली, चला गोली। तू मुझे कानून के हवाले करना चाहता है। मत भूल के मैं तेरी उम्र भर की तलाश हूं। अब के बिछड़ा तुझसे
तो बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। लगता है शेर अली की कैद खत्म नहीं होगी, मुझे निजात नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कौशल, मैं मुंह फेरे खड़ा हूं, तू यहां से चला जा, चला जा यहां से, चला जा, चला जा यहां से, चला जा, चला जा। चौधरी साहब, एक बड़ी मनहूस खबर लाया हूं। सजावल के हाथों चौधरी विकार का कत्ल है। अब शेर अली और जेलर को भी पता चल गया है कि सजावल पनाह लेने के लिए आपकी तरफ आ रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ डैन, पुलिस इस हवेली तक पहुंच जाएगी। मैं तो पहले ही कहता था कि इस सजावल के बच्चे को रास्ते से हटा दिया जाए। हौसला पुत्र, हौसला। गंड पड़ जाए तो उसे खोलने में नाखून जाया नहीं करते। पुलिस से तो कोई खतरा नहीं, मगर ये जेलर इफ्तिखार। मैं जानता हूं तुम्हारा कानून मजबूर भी है और कमजोर भी है। मेरे इंतकाम के रास्ते में मत आना, तुम्हारी गोलियां मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। चौधरी जी, वो जेलर बच गया। सब जानता हूं, पता है मुझे जेलर के बच जाने का अफसोस है, मगर वो कुत्ते जिन्हें तेरे बूढ़े बाप ने मार डाला, उनसे मुझे बड़ा प्यार था सजावल। मगर तू तो बड़ा अच्छा निशानेबाज है, बड़ी महारत है तुझे निशाना लगाने की, फिर बंदूक से काम क्यों नहीं लिया? बस गलती हो गई बड़े चौधरी जी, सोचा था उसकी अधखई लाश कानून को गलत रास्ते पर ना ले जाए। तेरी इस गलती से
कानून सीधे रास्ते पर पड़ गया है और अब कानून को इस हवेली का रास्ता दिखाने आया है। यहां बोल। बड़ा आदमियों के छोटी बात ना कर चौधरी। कानून से डर लगता है तो चला जाता हूं मैं। ला मेरी बंदूक। बंदूक? इस बंदूक का लाइसेंस भी नहीं है तुम्हारे पास। वह देखो कितनी बंदूकें हैं। और इन तमाम बंदूकों का लाइसेंस भी है हमारे पास। यही वो बंदूक है ना जिससे तुमने चौधरी वकार का खून किया था। ओ, 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 अब ये बंदूक और तुम समझ गए ना। नहीं आया खोपड़ी में कुछ भी। पुलिस भी यहां आने वाली है। चौधरी शराब। बड़े लोगों की बड़ी बातों में छोटे लोग नहीं बोलते। पालतू कुत्ते होते ही इसलिए हैं कि उनसे काम लिया जाए। पागल हो जाए तो गोली मार दी जाए। चौधरी जुर्म के इस दलदल में मुझे पहला धक्का भी तुमने दिया था। मेरा अंजाम कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले और आखिरी बार जरा अपने बाप के असली कातिल को तो देख। वो कराए का कातिल तो हमारी शतरंज का एक मामूली सब हो रहा है। आज मैं तेरे हर मोरे को हलाक कर दूंगा। Yeah!
जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोला है, मैं तेरा सर कुचल दूंगा, कुचल दूंगा, मर जा, हलाक कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दो लाशें उठाए हैं मैंने, अपने सीने में दहकते हुए इंतकाम का जहन्नुम तेरे खून से सर्द करूंगा। मर जा। मैंने तो डिप्टी साहब के हाथ से ये बंदूक सिर्फ इसलिए ली थी, इस बेगुनाह के हाथ खून में न रखे जाए। बाबा, सजावल ने तुझे बहुत दुख दिए थे ना बाबा, इसीलिए आज मैंने उस सजावल को हमेशा के लिए मार डाला। कसम बेटी। हाँ बाबा,